हेलो एवरीवन। तो स्ट्रेटेजी बिल्डर में, ऑब्स्ट्रा के स्ट्रेटेजी बिल्डर में हम आज वापस से स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे। कौन सी स्ट्रेटेजी? देखिए, मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी इसलिए डिस्कस करता हूँ कि इसमें लो रिस्क होता है, ठीक है, रिस्क एकदम कम होता है। अगर आपका व्यू गलत भी हुआ तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बैंक निफ्टी में कल हमने जो ट्रेड लिया था उसमें देखिए काफी लो रिस्क ट्रेड था और हमारा व्यू टोटली गलत हुआ, फिर भी हमने 200-300 रुपए का ही लॉस किया। तो पूरा चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको पूरा मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि क्या क्या ट्रेड हमने लिया, कैसे लिया, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो में। तो आप पूरा देखिए और समझिए। तो अभी देखिए, अभी हमारा निफ्टी का व्यू थोड़ा सा चेंज हो गया है। निफ्टी का अगर आवरली चार्ट में देखिए, एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। निफ्टी के आवरली चार्ट में आप देख रहे हैं कि पूरा ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, लेकिन इस डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन में आप देखेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो जोन जो यहाँ पे था, यहाँ पे प्राइस आ चुका है। और डेली चार्ट में इसको समझिए एक बार, इसका डेली चार्ट को देखिए। निफ्टी का डेली चार्ट अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए एक हैमर टाइप का फॉर्मेशन हो गया। कल के दिन में ही मैंने आपको डिस्कस किया था कि देखिए ये वाला हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ पे अगर प्राइस आएगा तो यहाँ पे हम बाइंग का प्लान करेंगे। और बाइंग का प्लान करने के लिए हमारे पास हैमर कैंडल मिल गया, इससे अच्छा कोई सेटअप नहीं हो सकता। अब क्या है कि ये हैमर कैंडल के बाद ऊपर कंफर्मेशन होगा तब बाय करेंगे। बहुत सारा चीजें होता है, उसको हम नहीं करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे। अगर नीचे भी जाएगा तो हमें रिस्क कम रहेगा, काफी लो रिस्क के साथ कल के एक्सपायरी के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं और आने वाले दिनों के लिए। मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म 8-10 दिन का व्यू रखता हूँ। आप कल के एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकते हैं और क्या क्या रिस्क होगा, क्या रिवार्ड होगा, सब कुछ मैं आपको ऑब्स्ट्रा के जो ग्राफ होता है उसको मैं दिखाऊंगा, तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो सब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से एक बाउंस का एक्सपेक्टेशन है। बाउंस यहाँ तक आ सकता है आने वाले दिनों में 19,800 तक का, ठीक है। लेकिन उससे पहले और भी रेजिस्टेंसेस है जो कि आवरली चार्ट में हमें दिखाई दे रहा है। तो आवरली चार्ट को आप समझिए। देखिए, आवरली चार्ट में हमें यहाँ पे क्लियर कट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 19,600 के आसपास में, 600 से थोड़ा सा पहले ही। उसके बाद 19,700, 19,800, 19,800 हमारा फाइनल रेजिस्टेंस है। यहां तक प्राइस आने में अभी इसकी हालत खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे आएगा भी तब भी यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। तो यहां तक हमारा लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा मतलब 10-12 दिन का व्यू है कि यहाँ आने में इसको भी प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे आएगा तो हम डिसाइड करेंगे, लेकिन नीचे से भी सपोर्ट हो रहा है और नीचे कहीं भी जाएगा तो हम इस टाइप की स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि नीचे कहीं भी जाएगा तो लॉस कम होगा। अब यही स्ट्रेटेजी आप बोलेंगे कि ऊपर की तरफ का भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए पुट सेल, दो पुट सेल करने में रिस्क ज्यादा होता है। मार्केट काफी तेजी से अगर एक ही दिन में 3-4% डाउन हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, जबकि ऊपर जाने में मार्केट एक ही दिन में 3-4% जाने से पहले ये सब प्राइस एक्शन बना के ही जाएगा और वहां पे हमें दिख जाएगा, तो वहां पे हम एग्जिट कर जाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पे कॉल की स्ट्रेटेजी ही बनाते हैं। पुट की भी स्ट्रेटेजी अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं भी आपको उसको भी बना के आपको बताऊंगा। अब हमारा व्यू ये बन रहा है कि कल के दिन की अगर बात करें तो 19,600 ही काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो हमको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना ले कि यहीं पे प्राइस रहे तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो जाए, नीचे चला जाए तो हमें कोई लॉस ना हो या फिर छोटा मोटा लॉस हो, तो इसकी स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे बनाते हैं। और आने वाले दिनों में इस टाइप का यहां तक का भी मूवमेंट आएगा तो इसका भी एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो कि अगले वीक वाला एक्सपायरी में बनाएंगे। तो अब चलते हैं ऑब्स्ट्रा के स्ट्रैटेजी बिल्डर में, और यहाँ पे मैं आपके साथ काफी लो रिस्क मतलब बहुत ही कम रिस्क वाला ट्रेड, और इसमें मतलब रिटर्न अच्छा भी बन सकता है, वो डिपेंड करता है मार्केट पे, लेकिन रिस्क हमारा एकदम लो रहेगा उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो हम करंट वीक के एक्सपायरी में ही आ जाते हैं। निफ्टी का हम यहाँ पे ले रहे हैं तो निफ्टी ले लेते हैं। ऑप्शंस में भी हम ट्रेड करेंगे यहाँ पे, फ्यूचर में नहीं करेंगे। फ्यूचर में भी आप अगर बोलेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे ऑप्शंस में कर रहे हैं। 5 अक्टूबर के एक्सपायरी को ही हम लेंगे और सी लेंगे। और करंट निफ्टी का प्राइस क्या है, 19,450 के आसपास में है। तो हम 19,450 का एक कॉल को बाय करेंगे, ठीक है। 19,450 का कॉल एक हम बाय करेंगे। 19,450 का कॉल हम अगर बाय करते हैं, इसको देखिए ये 47 रुपए में मिल रहा है, और इसको अगर हम नेकेड बाय करते हैं, इसको समझिए आप एक बार, इसको एड पोजिशन करते हैं हम यहाँ पे। अगर हम नेकेड यहाँ पे बाय करते हैं तो हमें देखिए प्रॉफिट अनलिमिटेड दिख रहा है यहाँ पे, इसको समझ लीजिए। इस चार्ट को भी समझिए आप, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पे ऑफ ग्राफ में आपका काफी अनलिमिटेड प्रॉफिट है, लेकिन इससे पहले इस चीज को समझिए कि यहाँ पे ब्रेक इवन क्या है, 19,498। अभी निफ्टी का करंट प्राइस क्या चल रहा है, 19,436 चल रहा है, और 19,498 पे ब्रेक इवन दिखा रहा है। यानी कि यहां से अगर निफ्टी 50-60 पॉइंट बढ़ भी जाता है तब भी हमें प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। कल के दिन में अगर ऐसा 50-60 पॉइंट बढ़ जाता है तब भी प्रॉफिट नहीं होगा, उसके बाद तो हमें प्रॉफिट ही स्टार्ट होगा। तो ऐसी स्ट्रैटेजी से अच्छा है कि कुछ इसमें और हम सेफ्टी देखें, इसमें हम कुछ और ब्रेक इवन को कम करने की कोशिश करेंगे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब इसमें देखिए, अगर आपका प्रॉफिट की बात करें तो इसमें प्रॉफिट तो अनलिमिटेड होगा, लेकिन कब होगा प्रॉफिट, देखिए इसमें अगर आप देखेंगे
यहाँ पे देखिए ये जो प्रॉफिट वाला जोन है आपका, देख रहे हैं कि काफी अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, लेकिन कब होगा? जब 19,600 700 ये सब में जोन में जाएगा तब ना इसमें हमें प्रॉफिट होगा। हमें अगर मार्केट अगर यहीं पे रह गया 19,500 600 रह गया तो हमें काफी कम प्रॉफिट होगा। 500 के ऊपर तो प्रॉफिट स्टार्ट होगा, उसके बाद 600 जाएगा तब हमें प्रॉफिट होगा। अब इससे अच्छा यह है कि इसमें हम कुछ और करते हैं ताकि इसमें हमें कुछ ब्रेक इवन भी अच्छा मिले और इसमें हमें रिस्क रिवार्ड भी अच्छा मिले। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन, एक और पोजीशन को ऐड करते हैं। पोजीशन इसमें हम क्या करेंगे कि हम रेशियो स्प्रेड लगाएंगे और 2 लॉट सेल करेंगे कॉल ऑप्शन। ये जो हमने 47 रुपये में बाय किया है, इस कॉल को हमने जो 47 रुपये में बाय किया है इसको हम कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम 2 या 3 लॉट हम इसमें ट्रेड करेंगे। हम यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 3 लॉट ले सकते हैं क्योंकि देखिए कल का एक्सपायरी है, तो हम 3 लॉट भी कर सकते हैं। देखिए ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ। कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेकर लीजिए, क्योंकि ये सब में काफी ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। अगर मान लीजिए कि हम 3 लॉट कोई दूसरा एक्सपायरी दूसरा ऑप्शन को सेल करते हैं, यानी मान लीजिए कि यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर का सेल कर देते हैं, 19,550 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे हम देखते हैं क्या रेट चल रहा है। इसका अगर हम रेट की बात करें तो ये इसका रेट चल रहा है 12 रुपये। तो 12 का अगर हम 3 लॉट सेल करते हैं तो 36 पॉइंट हमें वापस मिल जाएगा। तो अब इसमें हमारा जो ये देखिए स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा हम इसमें ऐड कर देते हैं, इसके बाद देखिएगा आपका पे ऑफ ग्राफ में देखिए क्या जबरदस्त आपका दिखेगा। आप इसको समझिए, यहाँ पे जब नीचे का जो रिस्क होगा इसमें आप देख रहे हैं, जब मार्केट नीचे जाएगा तो हमें क्या लॉस होगा उसको आप समझिए। इसमें ये देख रहे हैं नीचे मार्केट कहीं भी चला जाए, 19,300 आ जाए, 19,200 आ जाए, 19,000 आ जाए, 19,000 से भी नीचे चला जाए, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम रिस्क कितना होगा 550 रुपये का प्रॉफिट लॉस आपको यहाँ पे दिख रहा है, 550 का ही मैक्सिमम लॉस होगा। हाँ ऊपर जाएगा तो हमें लॉस होगा, लेकिन ऊपर में कहाँ पे ब्रेक इवन पे लॉस होगा हमें, जब यहाँ पे देखिए ब्रेक इवन पॉइंट इसका क्या है 19,594 594, यानी कि 19,600 के ऊपर जाने लगेगा कल के दिन में, तब इसमें हमें लॉस होगा। यहाँ पे देखिए ये वाला ब्रेक इवन है, इसके बाद अनलिमिटेड लॉस भी होगा। तो 19,600 के जैसे ही ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो हम यहाँ पे इस ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं जो भी लॉस होगा उसको लेके, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा अगर 19,550 आसपास में आ जाए प्राइस, तो हमें इसमें 4,345 यानी कि 4,500 तक का प्रॉफिट हो सकता है। रिस्क कितना है 500 का, और ऊपर अगर जान लगेगा तो यही पे अनलिमिटेड रिस्क नहीं हो जाएगा, इसको भी समझिए। 19,620 जाएगा तब हम, ये 650 जाएगा तब हमें इसमें 4-5 हजार का लॉस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर 19,600 पे भी आके अगर यहाँ से रुक जाता है तो 19,600 पे भी आपको 500-700 का ही लॉस होगा, लेकिन 19,600 के ऊपर देखिए एक्सपोनेंशियली लॉस होने लगेगा। तो इसमें से एग्जिट होना सबसे बेटर स्ट्रेटेजी होगी। जैसे ही 19,600 को क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, 5-10 मिनट 5-10 पॉइंट भी जाता है, एग्जिट कर जाएंगे, कोई दूसरा ट्रेड देख लेंगे, लेकिन इसमें उतना रिस्क नहीं रखेंगे। इस बीच में मान लीजिए कि अगर यहाँ पे देखिए ब्रेक इवन पॉइंट जो है 19,400 आपका उसमें था, 19,498 यानी कि 500 के आसपास में था। करंट प्राइस से देखिए 20 पॉइंट ही ऊपर हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन आ जाएगा, यानी कि अगर 20 पॉइंट ऊपर जाता है तो इसमें ब्रेक इवन आ जाएगा। ये थोड़ा सा हाई रिस्क ट्रेड हो गया। इसमें ऑप्शंस में आप जो 3 लॉट के जगह पे आप 2 लॉट भी कर सकते हैं, इसमें कम रिस्क होगा। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसको पोजिशन को एडिट करते हैं और यहाँ पे हम क्वांटिटी करते हैं 2 लॉट। 2 लॉट करेंगे, हमारा ब्रेक इवन वगैरह चेंज हो जाएगा, उसको मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसको 2 लॉट हमने कर दिया, अब हमारा पे ऑफ ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और प्रॉफिट भी देखिए किस टाइप से चेंज हो जाएगा। अब इसमें देखिए हमारा थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा, नीचे अगर मार्केट जाएगा तो इसमें हमें 1,000 रुपये का लॉस होगा, 1,100 1,000 इस टाइप का, मार्केट कहीं भी चला जाए लॉस होगा। और इसमें देखिए इसमें 19,474 के ऊपर हमें प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेक इवन देखिए यहाँ पे 19,474 के नीचे लॉस होगा, 19,474 के ऊपर हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, 19,626 तक प्रॉफिट होगा। अब 19,626 से पहले इसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा यहाँ देख लीजिए, मैक्सिमम प्रॉफिट लगभग 3,300 3,400 का होगा, और इसमें देखिए हमारा लॉस कितना है 1,100 का। तो 1:3 का आपका रिस्क टू रिवार्ड बन रहा है, एक दिन का ट्रेड है। अगर इसमें 600 के ऊपर जाता है तब इसमें से एग्जिट करना है, अदरवाइज इस ट्रेड को आराम से होल्ड किया जा सकता है। ये एक ट्रेड हुआ, ठीक है। ये देखिए इस टाइप की ट्रेडिंग आप और भी कर सकते हैं। देखिए ये जो है ना, इसको आपको चेंज करने के लिए अलग अलग आप कोई भी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि 19,550 को मैं क्यों सेल करूं, हमें 19,600 को सेल करना चाहिए, थोड़ा ब्रेक इवन जो है वो चेंज हो जाए। तो 19,600 पे जाएंगे, 19,600 का हम देखेंगे क्या इसका सिनेरियो चल रहा है। तो 19,600 का जो हमें
यहाँ पे रेट मिल रहा है 5 रुपये 6 रुपये मिल रहा है, ठीक है। तो 5 रुपये 6 रुपये में कोई खास हमें हेजिंग का कोई प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसको समझिए। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या ट्रेड कर लिया, 19,450 का सी इसमें हमें बाय है, यहाँ पे देख लीजिए 19,450 का सी बाय है और 19,600 का सी सेल है दो लॉट। अब इसमें देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 34% है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें कितना हो सकता है, 5,600 रुपये का हो सकता है। और इसमें ब्रेक इवन जो है वो चेंज हो जाएगा। देखिए ब्रेक इवन हमारा क्या पहुंच गया, जो हमने ऑप्शन बाय किया उसके लगभग ही पहुंच गया। तो इस टाइप का कोई मतलब नहीं बनता। ऊपर में क्या होगा कि ये सब थोड़ा सा ये हो जाएगा, इसीलिए जो हमने एक बेस्ट समझा, ये देखिए एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आ जाता है। 550 फर्स्ट टाइम में हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर आप 600 भी करते हैं तो इसमें देखिए रिस्क क्या हो जाता है कि आपका प्रॉफिट तो होगा लेकिन उन्हें 700 पे आपका ब्रेक इवन हो जाएगा। तो ऊपर जाने का मार्केट मतलब आपको कोई टेंशन नहीं होगा, लेकिन ये 50 पॉइंट आपको मैनेज करना होगा। 50 पॉइंट अगर नीचे ही अगर रह जाता है प्राइस, यानी कि हमारा जो 19,438 से ऊपर जाता ही नहीं है, 19,450 तक भी रहता है, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ लॉसेस ही होंगे ये सब जोन वाले। तो ये हमारा एक छोटा सा लॉस के साथ इसमें ट्रेड होगा, ठीक है। इसका ये लॉस कितना होगा उसको भी देख लीजिए, ये आपका मैक्सिमम रिस्क इसमें देखिए मार्केट कहीं भी जाएगा तो इसमें आपका 1,700-1,800 का लॉस हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा लॉस वाला स्ट्रेटेजी हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा नजदीक में ही कीजिए और थोड़ा आप एक्टिव रहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको ब्रेक इवन पे निकलना है। 700 के ऊपर अगर यहाँ पे भी निकलता है तो इसमें से आपको निकलना है, ना तो फिर इसमें लॉसेस बढ़ने लगेंगे, 800 आ जाएगा, 850 आ जाएगा। लेकिन आपको दो लॉट का ही सेल करने वाला प्लान ज्यादा करना चाहिए। 3 लॉट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, 4 लॉट में थोड़ा सा और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उसके लिए आपको और एक्टिव ट्रेडिंग करना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को एडजस्ट करके करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आने वाले एक्सपायरी के लिए कोई अगर हमको ट्रेड करना है तो इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हम करते हैं पोजिशन को पूरा रिसेट। रिसेट करने के बाद यहाँ पे हम पोजिशन सिंगल लॉट से ही करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि निफ्टी में ही हम ऑप्शंस में ही जाते हैं, लेकिन हमारा एक्सपायरी क्या होगा वो होगा ये 5 अक्टूबर नहीं, 12 अक्टूबर का एक्सपायरी होगा। और हमारा अट द मनी जो होगा उसको, या फिर 19,450 चल रहा है तो हम अगले एक्सपायरी करेंगे तो लिक्विडिटी कम रहती है, इसलिए 19,400 पर ही रखेंगे आप। तो 19,400 का एक हम स्ट्राइक का 19,400 का एक स्ट्राइक लेते हैं और इसको हम यहाँ पे करते हैं ऐड। 19,400 वाला जो इसका चल रहा है, इसका रेट देखिए क्या चल रहा है, 146 चल रहा है, ठीक है। अब इसको 146 में हम बाय करते हैं। देखिए इसको बाय करने के बाद क्या होता है कि टाइम डिके का बहुत प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे देखिए ये सेल पोजीशन हो गया, यहाँ पे देखिए इसको चेंज करना होता है, ताकि आपको ये वाला जो पोजीशन हमने यहाँ पे ऐड किया इसको हमको यहाँ पे एडिट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बाय की जगह पे सेल पोजीशन हो गया है तो इसको हम बाय कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम मॉडिफाई कर दिए। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि अब इसमें हमारा ये जो ट्रेड है, 1 लॉट बाय है 19,400 का सी, 146 में 146 का हमें मैक्सिमम लॉस होगा और ऊपर जाएगा तो हमें इस टाइप का प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ब्रेक इवन क्या है हमारा 19,547। इसको देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, 19,400 पे 438 पे बाय कर रहे हैं और 19,547 यानी कि 100 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तब भी हमें लॉस ही होगा इसमें, ठीक है। इसलिए इसको इसका ब्रेक इवन को हम करते हैं चेंज। हमें क्या होना चाहिए कि कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस, ये जो नीचे वाला जो है ना, इतना मैक्सिमम रिस्क हमने 7200 पर नहीं हम ट्रेड करेंगे। मैक्सिमम रिस्क कितना है इसमें, 7200 का है मैक्सिमम रिस्क, ठीक है। आप देख रहे हैं 7200-7300 का आपका इसमें मैक्सिमम रिस्क हो जाएगा। इसको हम करते हैं इसमें पोजिशन एड। इसमें हम पोजिशन जो एड करेंगे, इसमें हम करेंगे सेल। सेल क्या करेंगे, 19,600। देखिए हम क्योंकि अगले एक्सपायरी का कर रहे हैं तो हम इसमें थोड़ा सा दूर तक भी जा सकते हैं। 800 तक का हमारा जो है वो मेन लेवल है, तो हम 800 से पहले तक यानी कि 19,700 को हम पहले ट्राई करते हैं। 19,700 का क्या चल रहा है प्रीमियम, 19,700 का ये जो प्रीमियम है ये चल रहा है 29। तो थोड़ा सा ये 29 को हम नहीं करेंगे, हम 19,700 के जगह पर हम करते हैं 600, ठीक है। 600 करेंगे तो उसमें क्या होगा, हाँ इसका प्रीमियम चल रहा है 54। अब ये देखिए मैनेजेबल है, 54 चल रहा है, 54 को हम दो लोट ऐड करते हैं। यहाँ पे दो लोट हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं और इसको हम इस पोजीशन को सेल में रखते हैं। अब देखिए हमारा पे ऑफ ग्राफ में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि मार्केट नीचे कहीं भी चला जाए हमें कितना लॉस होगा, 1,600-1,700 का मैक्सिमम रिस्क होगा। ये 10 दिन का ट्रेड है, एक दिन का ट्रेड नहीं है, ये मैनेज किया जा सकता है, इसको आप समझिए।
ऊपर जाएगा तो इसमें हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 7,000-8,000 के आसपास में। और ये 8,000 का प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट हमें यहाँ पे रहेगा 19,600 पे रहेगा, तब एक्सपायरी होगा तब। इसके बाद इसमें मैक्सिमम रिस्क कहाँ तक आ जाएगा, 19,750 के बाद इसमें रिस्क स्टार्ट हो जाएगा। 19,800 मैंने आपके साथ डिस्कस ही किया कि देखिए 19,800 ये जो लेवल है, ये सब जो लेवल है ये हमारा टफ पॉइंट होगा, इसको निकालना काफी मुश्किल है। तो यहाँ पे जब भी टाइम पास करेगा, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ तक का हम स्ट्रेटेजी बना ले रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं, नीचे जाएगा तो हमें 1,800 का रिस्क होगा, ऊपर अगर इस जोन में अगर एक्सपायरी हो जाता है तो हमें क्या होगा कि 8,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसके ऊपर निकलता है तब हमें लॉस होगा। तो ये जो पूरा जोन के लिए हमने एक ट्रेड लिया, ट्रेड क्या है कि हमें यहाँ पे एक ऑप्शन ली, हमने बाय किया 19,400 का, 19,600 का हमने 2 लॉट 54 में सेल कर दिया। इसमें देखिए हमें मैक्सिमम रिस्क जो नीचे की तरफ कहीं भी जाएगा मार्केट तो 1,500 का होगा, और ऊपर की तरफ मार्केट अगर कहीं भी जाता है तो लॉस भी होगा। 19,800 के ऊपर जैसे ही मार्केट ट्रेड करने लगता है 750-800 के ऊपर, तो इसमें हमें लॉस होगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि सिंपल तरीके से अगर 19,650 पे, 600 पे, ये सब पे भी अगर एक्सपायरी होता है तो अच्छा, देखिए रिस्क टू रिवार्ड इसको समझिए, 1,700-1,800 का मैक्सिमम रिस्क है। ऊपर जाएगा तो 800 पार होने में जब तक जाएगा तब तक इसमें एग्जिट ही कर जाएंगे, तो मैक्सिमम रिस्क कितना है इसमें हमें 1,700-1,800 का। और देखिए रिवार्ड कहाँ मिल रहा है, रिवार्ड आपको 4,200-4,800, 5,000, 8,000 तक का प्रॉफिट मिल रहा है। और ब्रेक इवन की मैं बात करूं, ब्रेक इवन को भी समझिए थोड़ा सा, करेंट लेवल से ही ब्रेक इवन है, 19,438 अभी प्राइस चल रहा है, 19,437 का ही ब्रेक इवन है, और ऊपर की तरफ ब्रेक इवन है 19,763, यानी कि 19,800 मैंने आपको बताया। तो यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, टाइम देंगे तो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, कल वाले में करेंगे तो 1,100 का मैक्सिमम रिस्क मैंने आपके साथ डिस्कस किया, वो एक दिन में ही हो सकता है, ये 8 दिन में इसको मैनेज करके हम इसमें से कम कम प्रॉफिट या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट कुछ भी निकल सकते हैं। तो इस टाइप की स्ट्रेटेजी मैं इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपके साथ शेयर करता रहूंगा।